गुरुदेव बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट जो है पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, जो कि एक्सरसाइज 7.6 है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उनको लगाइएगा ज़रूर आप लोग। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये हमारा एक्सरसाइज 7.6 आ चुका है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, और क्या कह रहा है एक्सरसाइज 7.6 में। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा एक्स साइन एक्स है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.6 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये है हमारा। अब हमें पता है जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, अगर ये u है, ये v है और ये dx है, तो ये हमारा होता है सिंपली u जो है बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन v dx माइनस दिस इज du बाई dx, फिर इंटीग्रेशन v dx, फिर उसके बाद बाहर dx, ये हमारा फार्मूला होता है। यानी ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं फंक्शन को। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर दिया, सेकंड को जो हमने इंटीग्रेट किया, फिर माइनस इंटीग्रेशन लगाया, फिर उसके बाद जो है जो फर्स्ट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखा, और जो सेकंड है एज यूजुअल इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा और dx लगा दिया। अब इसमें आते हैं एक रूल पे जो कि हमारा है आईलेट, ये आपको पता होगा। आईलेट में यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब है आपका एलजेब्रिक फंक्शन, और टी का मतलब है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फाइनली ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये आपका रूल यहाँ पर लगेगा। इनमें से हम ये रूल तब लगाएंगे जहाँ पर भी हमें यू और व्यू में चूज़ करना होगा कि किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने। तो इसमें जो है फर्स्ट यू जो है वही मानेंगे, इनमें से अगर कोई पहले आता है, ठीक है। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो पहले हम लोग इन दोनों में चूज़ किसको करेंगे, जो ये पहले आ रहा है आई, तो यानी पहले फंक्शन को हम लोग आई को चूज़ करेंगे, ठीक है। इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन लगाएंगे वैसे वैसे हम इसको डिटेल में और समझते जाएंगे, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये एक्स है और ये साइन एक्स है, तो यहाँ पर ये आपका एलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखिए ये एलजेब्रिक फंक्शन है आपका और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर आपको यू किसको मानना है, सिंपली आपको पहला वाला जो फंक्शन है वो सिंपली यू की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि एलजेब्रिक फंक्शन पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास, सिंपली ये फार्मूला मैं लगाऊंगा, दिस इज यू और दिस इज़ v। क्यों मैंने इसको u माना, क्योंकि आईलेट के अनुसार एलजेब्रिक फंक्शन जो है पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से, दिस इज इक्वल टू u, u की जगह पे मेरा है x, x इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद साइन x dx, फिर माइनस, फिर उसके बाद आ गया d बाई dx, और ये u की जगह पे मेरा x आ गया, फिर इंटीग्रेशन साइन x dx, फिर उसके बाद डी एक्स, ये हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो साइन एक्स का जो है हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, एक्स का जो है मेरा डिफ्रेंशिएशन वन ही होगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और ये फाइनली डी एक्स हो गया, ओके। अब उसके बाद ये माइनस माइनस इधर प्लस कर देगा, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, इसको फिर से मैं करूँगा तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है मेरा साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स प्लस सी, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन हल हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक्स है फिर साइन थ्री एक्स है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स साइन थ्री एक्स, ये है हमारा, और दिस इज़ डी एक्स। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से, चूँकि यहाँ पर x जो है एलजेब्रिक फंक्शन है और साइन थ्री एक्स जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको मैं u मानूँगा और इसको v मानूँगा, ठीक है।
अब इसको मैं करता हूँ सॉल्व, तो ये u बाहर हो गया, इंटीग्रेशन साइन 3x dx माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स दिस इज x, फिर इंटीग्रेशन साइन 3x dx, फिर फाइनली दिस इज dx, ये हो गया मेरा। तो साइन 3x का हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस कॉस 3x अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन 3x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3 हो गया, दिस इज डी एक्स हो गया। ये हो गया मेरा माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बाई 3 कॉस 3x का क्या हो गया हमारा साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी, ये हो गया मेरा। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1 बाई 9 साइन 3x प्लस सी, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। अब सेकंड के बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे और देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा सिंपली x स्क्वायर e की पावर x, तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो सेकंड के बाद हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, ये हो गया मेरा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा दिस इज, इसको ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो आई लेट में अगर देखें तो एक्सपोनेंशियल जो है हमारा सबसे लास्ट में आ रहा था जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था, यानी अलजेब्रिक इससे पहले है, तो इसको यू मानेंगे हम लोग और इसको वी की तरह ट्रीट करेंगे। तो u वाला बाहर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स दिस इज x स्क्वायर इंटीग्रेशन e की पावर x डी एक्स दिस इज डी एक्स, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद अगर आगे सॉल्व करें तो e की पावर x का एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन हमारा e की पावर x ही होगा, तो इसको मैं एज यूजुअल वैसे ही लिख देता हूँ, x स्क्वायर ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और इसका ई एक्स होगा दिस इज डी एक्स, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद देखा जाए तो इसको मैं और आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा दिस इज एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 और फिर से यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स ई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर भी फिर से ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको यू मानूंगा, इसको वी मानूंगा और फिर से इसमें भी मैं डिफरेंशियल का फॉर्मूला जो अभी इंटीग्रेशन का हम लोगों ने पढ़ा था बाई पार्ट्स का, उसको यूज़ करूँगा। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट, फिर से यहाँ पर ये आ जाएगा यू बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, फिर ये आगे बढ़ेंगे माइनस इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स दिस इज डी एक्स, ये हो गया मेरा। अब इसको और आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस ट्वाइस और दिस इज एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स ही रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस ट्वाइस और मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स ई एक्स और ये माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही आएगा प्लस फाइनली सी आ जाएगा, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस टाइप से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ई की पावर एक्स सभी में कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड के बाद देखिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपली फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है आपसे x log x है, दिस इज x log x, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा I इंटीग्रेशन x log x दिस इज डी एक्स, तो यहाँ पर भी ये लॉगरिथमिक है और ये मेरा अलजेब्रिक है, तो I लेट में मैंने क्या पढ़ा था कि अलजेब्रिक हमारा यहाँ पर है, लॉगरिथमिक हमारा पहले है, तो इसको मैं यू मानूंगा, इसको वी मानूंगा, इसको यू मान लिया मैंने और इसको वी मान लिया, ठीक है। अब इसको करता हूँ सॉल्व तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली दिस इज लॉग एक्स बाहर हो चुका है और ये एक्स डी एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन होगा लॉग एक्स का, फिर इंटीग्रेशन होगा मेरा क्या कहते हैं x का और dx, फिर यहाँ पर dx आ जाएगा। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो log x x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस
इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है सिंपली, और उसके बाद अगर आगे बढ़े तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई टू और ये डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये x कट जाएगा, तो यहाँ से ये आ गया मेरे पास log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन हाफ, बाहर मैं ले लेता हूँ x dx बचेगा, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस हाफ, दिस इज x स्क्वायर बाई टू। तो ये हो गया मेरे पास सिंपली log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर, और ये पेन भी यहीं पे ख़त्म हो गया, प्लस सी इसका इंक ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग एक मिनट में दूसरा इंक कलम ले लूं। तो इस टाइप से मेरा ये फोर्थ क्वेश्चन भी हल हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन के बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा सिंपली एक्स है फिर लॉग टू एक्स है, दिस इज आई इज इक्वल टू एक्स लॉग टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा लॉगरिथमिक जो है पहले लेंगे u और इसको मानेंगे v, तो ये हो जाएगा मेरे पास log 2x बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फिर d by dx ऑफ log 2x हो जाएगा, और फिर आगे बढ़ूंगा मैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा और फिर dx हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा log 2x into x square by 2 माइनस दिस इज log 2x का हो जाएगा मेरे पास 1/2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, और फिर से ये हो जाएगा मेरे पास x square by 2 दिस इज dx। तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये x कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा x square by 2 into log 2x माइनस हाफ, बाहर मैं ले लेता हूँ दिस इज x dx, x dx का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ x square by 2 दिस इज log 2x माइनस हाफ दिस इज x square by 2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली आंसर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू दिस इज लॉग टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। इसको मॉडुलस में ऐसे लिख दीजिए वो ज़्यादा सही रहेगा इस टाइप से। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में मेरा कह रहा है सिंपली एक्स स्क्वायर है फिर लॉग एक्स है। तो यहाँ पर भी हमारा जान रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन है और एक जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो हम लोग लॉग को हम लोग यू मानेंगे और इसको वी मानेंगे, ठीक है। अब फिर से फार्मूला लगाएंगे तो log x को मैंने बाहर लिख लिया, दिस इज x स्क्वायर dx माइनस दिस इज d by dx, और ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज यहाँ पर मेरा d by dx की तरह ये log x हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx फिर ब्रैकेट दिस इज dx। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा log x इंटू ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन दिस इज 1/x, और ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 दिस इज डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया मेरे पास x क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3 दिस इज x 3/3 प्लस सी। तो ये सिंपली आ गया मेरे पास एक्स क्यूब बाई 3 log मॉडुलस ऑफ x माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी हल हो चुका है। सिक्स्थ के बाद देखिए मेरा सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर x है फिर साइन इनवर्स x है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन x है फिर साइन इनवर्स x है और dx है। तो आईलेट को याद कीजिए, आईलेट में क्या था, ये इनवर्स पहले है और अलजेब्रिक बाद में है, तो u हम किसको मानेंगे, इसको मानेंगे और इसको v मानेंगे, ठीक है। अब इसको साइन इनवर्स x को बाहर ले लेंगे यहाँ पर, और इंटीग्रेशन सिंपली x dx हो जाएगा फिर माइनस इंटीग्रेशन फिर d by dx ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा
फिर इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा, फाइनली dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स x इन x स्क्वायर बाई टू माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मेरा हो जाएगा सिंपली 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई टू और दिस इज dx। अब यहाँ पर अगर देखें तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिखता हूँ साइन इनवर्स x और इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस हाफ, बाहर ले लिया मैंने, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया मेरा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक लॉजिक लगाता हूँ और मैं इसको लिख लेता हूँ, ये मेरा रिक्वायर्ड i है, इंटीग्रेशन जो मैं कर रहा हूँ ये i है और दिस इज i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस हाफ आई वन, मैं इसको मान लेता हूँ और आई वन को मैं इसको इस पूरे को मैंने आई वन सपोज किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको नेक्स्ट पेज में इंटीग्रेट करता हूँ आई वन को, और फिर बाद में इक्वेशन फर्स्ट में आई वन की वैल्यू पुट आउट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में चलता हूँ और ये मेरा आई वन हो गया है जो कि है मेरा सिंपली इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ मैं क्या करता हूँ कि एक्स की जगह पर पुट करता हूँ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा थीटा के रिस्पेक्ट में इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा, यानी डी एक्स हो गया सिंपली कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो मैं डी एक्स की जगह पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की जगह पे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हूँ और नीचे वन माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से ये कॉस थीटा डी थीटा आ चुका है। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा होता है, दिस इज डी थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हमारा बचा है यहाँ पर सिंपली। और साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज डी थीटा आई वन। अब हमें पता है कॉस टू थीटा जो होता है वो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से अगर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये इधर जाएगा इधर, तो वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू आएगा, तो आई वन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, बाई टू को मैं इधर ले लेता हूँ, दिस इज डी थीटा हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरा हाफ इंटीग्रेशन वन डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा डी थीटा, ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा हाफ, दिस इज थीटा बाई टू माइनस कॉस टू थीटा का हो जाएगा मेरा सिंपली साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन मेरा साइन टू थीटा, मैंने ये लिखा सिंपली दिस इज साइन टू थीटा और ये हाफ पहले से हाफ इधर कर दिया, अब टू थीटा बचा तो अपॉन में टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा और प्लस सी प्लस सी, तो इस पुट द वैल्यू, एक काम और करता हूँ, पहले मैं इसको x के टर्म में कर लेता हूँ। तो यहाँ से अगर देखूँ तो मैंने x साइन थीटा माना है, तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो यानी यहाँ हो गया हाफ साइन इनवर्स x माइनस वन बाई टू और ये हो गया साइन टू थीटा है, तो साइन टू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। तो यहाँ से और एक कदम आगे बढ़ते हैं, हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस और टू से ये हाफ हो जाएगा कैंसिल होके, साइन थीटा को मैं एक्स लिख सकता हूँ, कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा और साइन थीटा क्या है एक्स माना, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। तो ये मेरा आई वन हो गया, तो मैं यहाँ लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू of i1 in equation first, तो therefore i integral is equal to क्या आ गया हमारा equation first, क्या था हमारा integration i था equation first में sin inverse x minus sin inverse x into x square by 2 minus half, तो मैं इसको यहीं लिखूंगा इस टाइप से x square by 2 into sin inverse x, मैंने पहले लिख दिया x square by 2 को minus half
और फिर से ये आई वन की वैल्यू जो है हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी हो गया। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, दिस इज साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई फोर, ब्रैकेट में ये हो गया मेरा साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया मेरा। और अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो बस इतना ही पर्याप्त है, इसमें वन बाई फोर को अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेट करके भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इनको इनको मैं एक साथ ले लूँ तो साइन इनवर्स एक्स कॉमन मिल रहा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई फोर, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी हो जाएगा। और इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो साइन इनवर्स एक्स दिस इज वन बाई फोर, दिस इज टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये सेवेंथ क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब आगे आते हैं हम लोग अपने एट्थ क्वेश्चन की ओर, और क्या कह रहा है एट्थ क्वेश्चन में, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। तो एट्थ क्वेश्चन है हमारा एक्स है फिर टेन इनवर्स एक्स है, दिस इज इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा ये निकालना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा मेरा। अब इसमें भी देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को मैं सबसे पहले यू मान लूँगा और इसको वी मान लूँगा, ठीक है, क्योंकि इन आई लेट में ये रूल है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले है और अलजेब्रिक जो है तीसरे नंबर पर, तो प्राथमिकता मैं यू फर्स्ट फंक्शन को आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को ही फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, ठीक है। अब इसको जो है मैं आगे लिखता हूँ सॉल्व करके, दिस इज टेन इनवर्स एक्स और फिर उसके बाद एक्स डी एक्स माइनस दिस इज डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स और फिर ये डी एक्स आ गया। अब इसको और आगे सॉल्व करूँगा मैं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और दिस इज डी एक्स, ओके। अब ये हो जाएगा मेरे पास अगर और आगे सॉल्व करूँ तो टेन इनवर्स एक्स दिस इज एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ मैं कि यहाँ पर प्लस वन देखिए जोड़ दिया और ये घटा दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस हाफ दिस इज इंटीग्रेशन, और इसको सेपरेट कर दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिस इज, इसको आगे सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर बाई टू दिस इज टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ और ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज वन इंटू डी एक्स माइनस दिस इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर बाई टू दिस इज टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ दिस इज एक्स हो जाएगा मेरा ये माइनस, इसको वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा, और ए क्या है वन है तो ये सिंपली जो है मुझको दे देगा हाफ, ये हाफ मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी आएगा टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस भी इसको कर देगा और फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये एट्थ क्वेश्चन भी हल हो चुका है। एट्थ के बाद देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा एक्स है फिर कॉस इनवर्स एक्स है, तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन को भी। इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स है फिर डी एक्स है, तो यहाँ पर भी ये मेरा यू हो जाएगा ये मेरा वी हो जाएगा, इसको मैं करता हूँ सॉल्व कॉस इनवर्स एक्स दिस इज एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स फिर डी एक्स, फाइनली दिस इज कॉस इनवर्स एक्स इंटू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का करेंगे
तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली x स्क्वायर बाई टू माइनस दिस इज cos इनवर्स x का माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर बाई टू दिस इज फाइनली dx। तो अगर आगे मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस इनवर्स x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हाफ बाहर आ जाएगा, और दिस इज इंटीग्रेशन दिस इज x स्क्वायर अपॉन वन माइनस x स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। और इसको मैं अगर i1 मान लूँ, दिस इज ये मेरा i है, दिस इज i, तो ये i पूरा होगा, तो i क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस इनवर्स x प्लस हाफ आई वन। अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और I1 को मैं सॉल्व करूँगा, दिस इज x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस x स्क्वायर डी एक्स। तो मैं यहाँ पर क्या पुट आउट करता हूँ, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा हमारा सिंपली माइनस साइन थीटा, तो डी एक्स हो जाएगा मेरा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो इसकी जगह पर मैं अगर लिखूँ तो आई वन हो जाएगा मेरा x की जगह पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डी एक्स की जगह पे मैं लिखूँगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, और अपॉन में वन एक्स की जगह पे कॉस थीटा रखूँगा, तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन बाहर हो गया, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब हमें एक फार्मूला पता है कि कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा प्लस वन बाई टू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन माइनस बाहर दिस इज वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू दिस इज डी थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस इन हाफ बाहर ले लेता हूँ मैं, दिस इज वन डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा डी थीटा, ये मेरा डी थीटा है दिस इज। अब इसको मैं करूँगा सॉल्व, तो माइनस वन बाई टू थीटा प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा बाई टू होता है, और ये हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी माइनस कर देगा बाई फोर प्लस सी हो जाएगा। अब मुझे इसको एक्स के टर्म में करना है अभी इसको, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली x के टर्म में करूं, तो यहाँ से अगर देखूं तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस हाफ कॉस इनवर्स x माइनस वन बाई फोर, साइन टू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। अब फाइनली देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस यहाँ से ये हो जाएगा वन बाई टू, और साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट में हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर इसको मैं और सॉल्व करूँ आगे तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि x में बन चुका, और इसको मैं यहाँ पर फाइनली पुट कर देता हूँ वैल्यू को, तो यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास i इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू और cos इनवर्स x प्लस हाफ है, और i1 का ये पूरा मान आ जाएगा डेट इज माइनस वन बाई टू cos इनवर्स x माइनस वन बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, और प्लस हमारा ये सी हो गया बाहर। तो इस टाइप से हमारा ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब इसको जो है और अगर सॉल्व करें तो कॉस इनवर्स एक्स यहाँ देखिए कॉमन मिल रहा है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप भी कर देता हूँ, देखिए फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा सिंपली कॉस इनवर्स एक्स कॉमन में ला फोर हमारा हो गया, तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स बाई फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं देखिए कॉस इनवर्स एक्स को कॉमन ले लिया, ठीक है,
ये 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, 1/4 हो गया, फिर मैंने इनका एलसीएम लिया तो 2x² हमारा आ गया, ये -1 आ गया। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब उसके बाद देखिए, 9th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, और 10th क्वेश्चन में मेरे क्या कह रहा है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, मैं इसको मान लेता हूँ। ओके, जब इसको मैंने थीटा माना तो x आ गया मेरे पास साइन थीटा। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो dx इक्वल टू साइन थीटा का cos थीटा d थीटा आ जाएगा, यानी मैं dx की जगह पे इसको लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पे थीटा रखा तो थीटा स्क्वायर हो गया, dx की जगह पे आ गया cos थीटा d थीटा, ये हो गया मेरा। अब इसमें जो है हमारा, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और इसको मैं सेकंड फंक्शन मानता हूँ। ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये थीटा स्क्वायर बाहर, दिस इज cos थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन d/d थीटा, थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा और फाइनली d थीटा। अब ये हो जाएगा मेरे पास थीटा स्क्वायर cos थीटा का sin थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 2 थीटा और cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा और फाइनली दिस इज d थीटा। तो ये हो गया थीटा स्क्वायर sin थीटा माइनस ट्वाइस दिस इज थीटा sin थीटा d थीटा हो गया। अब इसको मैं और आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा और माइनस ट्वाइस। अब यहाँ पर भी इसको फर्स्ट और सेकंड मानूंगा, इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड मानूंगा, ब्रैकेट बनाऊंगा और यहाँ देखिए थीटा बाहर ले लिया मैंने, दिस इज साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन d/d थीटा, थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा और फिर डी थीटा हो गया। अब इसके बाद आगे होगा ये थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस ट्वाइस थीटा, और साइन थीटा का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस माइनस यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस कॉस थीटा, फिर ये माइनस माइनस ये प्लस 2 हो गया इंटीग्रेशन, और d/d थीटा का थीटा ये 1 होगा, और यहाँ से साइन थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा d थीटा आएगा। तो फाइनली हो जाएगा हमारे पास थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 2 और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हमारा सिंपली साइन थीटा हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ से देखूँ तो साइन थीटा मेरा क्या है, एक्स है, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। आगे बढ़ता हूँ, माइनस 2 साइन थीटा है तो ये एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। अब देखिए 10th के बाद हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मेरा 11th क्वेश्चन हो गया है। अच्छा, 10th के बाद 11th क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नहीं तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लेंदी हो जाएगी। मित्रों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।